हेलो नमस्कार दगड़ियों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका मनी व्लॉग 12 यूट्यूब चैनल पर। तो आज का व्लॉग तुम्हारे भाई ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो सुबह के बजे हुए हैं 9:30 और आज जा रहा हूँ मैं ढोंटियाल मार्केट। और मार्केट इसलिए जा रहा हूँ कि आज करवा चौथ का मेरे को सामान लेना है। मेरी वाइफ ने करवा चौथ का उपवास रखा हुआ है। आप सभी भाइयों और बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं मार्केट के काफी नजदीक पहुंच चुका हूं। आप ये रास्ता देख रहे होंगे, ये रास्ता जा रहा है ढोंटियाल मार्केट के लिए और अभी यहां से 200 मीटर की दूरी होगी ढोंटियाल पहुंचने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे हम 700 सब्सक्राइब पूरा होने वाले हैं, बस कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे 700 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करवा दोगे और हम बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइब YouTube फैमिली के हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों आप पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे, मैं ढोंटियाल मार्केट यहाँ पहुँचने वाला हूँ और सामान लेने में अभी कुछ ही टाइम है। तो आप देख रहे होंगे मैंने पूरा का पूरा पर्चा पकड़ा हुआ है और इतना सामान लेना है मेरे को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दुकान में। तो चलिए दोस्तों मैं दुकान के नजदीक पहुंच चुका हूं। आप देख रहे होंगे यहां पर बोर्ड लगा हुआ है अनामिका ब्यूटी पार्लर। तो मैं दुकान में पहुंच चुका हूं। आप देख रहे होंगे अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और यहां पे दुकान में काफी सारा सामान यहां भरा हुआ है। तो मैं दादी बोलता हूँ जो यहाँ दुकानदार है और आप देख रहे होंगे कितनी सारी बिंदिया भी यहाँ पे रखी हुई है। और इधर दादी जी ने यहाँ पे टेलर का काम भी यहाँ खोल रखा है, आप देख रहे होंगे। तो टेलर का काम भी करते हैं दादी जी। और इधर यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूट भी रखे हुए हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेडीज सामग्री पूरी की पूरी यहाँ खचाखच भरी हुई है। और इधर बहुत से प्रकार के आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंगलसूत्र भी रखे हुए हैं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कितना सुंदर व्यू यहाँ दुकान के अंदर दिखाई दे रहा है। और इधर भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हर प्रकार की और हर कलर में यहाँ चूड़ी आपको मिल जाएगी। तो देख रहे होंगे आप यहाँ मैंने अभी सामान लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे नारियल ले आए और चूड़ी भी मैं यहाँ पे ले लिया हूँ और यहाँ पे बिंदी भी रख दी है। तो दादी जी अभी सामान दे रही हैं मेरे को और मैं यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये है चलनी, हमारी पहाड़ी भाषा में चलनी कहा जाता है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर आटा छानने के काम भी आएगा। और इधर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ले लिया है मैंने लोटा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैरों में जो बिच्छू टाइप के लगाते हैं वो भी ले लिए हैं। और यहाँ पे बहुत से बिच्छू यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनमें से भी छांट के एक जोड़ी ले लेता हूँ। और इधर आप देख रहे होंगे कान की बाली, और ये भी कान की बाली है। तो दो दो जोड़ी मैं हर चीज़ ले रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे ये भी है, ये मांग भरने का जो होता है इसको भी मैंने ले लिया है दो। और ये है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के भी मैंने दो पाउच ले लिए। और आप देख रहे होंगे ये है पायल, तो पायल कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और इस डिब्बे में भी रखी हुई है। तो दो जोड़ी पायल भी ले लेता हूँ, तो दो जोड़ी पायल ले लिए मैंने। और अब आगे और भी सामान लेते हैं। और ये देख रहे होंगे आप ये है फोटो, तो यहाँ पे भगवान जी की फोटो भी ले रखी है। और इधर पाउडर भी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे लिया है फेयर एंड लवली के साथ यहाँ किताब भी देख रहे होंगे आप, करवा चौथ की जो किताब है वह भी ले ली है। और अब देखते हैं कीप, तो दोस्तों दो पैकेट मैंने कीप ले रखे हैं। और कीप के बाद अब बिंदी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख रहे होंगे बिंदी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और इधर काउंटर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे चूड़ियाँ लगी हुई है और एक मंगलसूत्र मैंने यहाँ ले लिया है। और दोस्तों ये सामान ले रखा है मैंने, तो पर्चे में लिख के लाया था मैं घर से। और आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा सामान लगभग मैंने यहाँ पे बटोर ही लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब्लॉग में, सामान बैग में रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सामान ले लिया है और अब जा रहा हूँ मैं दूसरी दुकान में। और दूसरी दुकान में इसलिए जा रहा हूँ कि अभी केले भी ले जाने हैं मेरे को। तो चलिए दोस्तों पहले केले लेते फिर उसके बाद निकलता हूँ मैं घर के लिए। तो दोस्तों अभी बैठा हूँ मैं चाइनीज फूड खाने के लिए और अभी ले रखे है मैंने मोमोज, और मोमोज के साथ ले रखी है लाल चटनी। तो पहले मोमोज खा लेता हूँ फिर उसके बाद दुकान से और भी सामान लूंगा। तो चलिए, तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ ढोंटियाल मार्केट से सामान लेकर के। और अभी मैं केले लेने के लिए जा रखा था दूसरी दुकान में, केले तो मिले नहीं। और उसके बाद मैं फिर 1 किलो सेब लेकर के आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको सीधा रात को जब चांद आएगा और जब ये चांद खाना खाएगा। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, रात के बज चुके हैं 8 और अभी यहाँ पे
पूजा की तैयारी चल रही है, तो थोड़ी देर में देखते हैं कि चांद आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि करवा चौथ का व्रत क्यों लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पुराने जमाने में एक सौकार थे, उनके सात लड़के थे और एक बेटी थी। तो सात भाई थे, उनकी सात बीबियां थी और एक बहन थी। तो सबने मिलकर के व्रत लिया करवा चौथ का, और जो भाई थे उनको अपनी छोटी बहन की हालत देखकर बहुत ही दया आ रही थी, और उन्होंने अपनी बहन को कहा कि बहन खाना खा लो, लेकिन बहन ने मना कर दिया खाना खाने से और कहा कि मैंने आज उपवास ले रखा है, व्रत ले रखा है, तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। छोटे भाई ने दिमाग लगाया, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला के रख दिया, जो हूबहू एक चांद के जैसे लग रहा था, चांद की आकृति का लग रहा था। तो छोटी बहन ने समझा कि चांद आ गया है, उसने व्रत तोड़ने के लिए अपनी भाभियों को कहा और भाभियां इस चीज को समझ गई, लेकिन छोटी बहन इस बात को नहीं समझ पाई। तो बहन ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया तो उसको छींक आ गई, फिर दूसरा निवाला मुंह में लिया तब तक उस निवाले में बाल आ गया, और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में रखा उस बहन के पति की तुरंत मृत्यु हो गई, जिस कारण से वह बहुत ही दुखी हो गई। फिर उसकी भाभियों ने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब उसको पूरी बात पता चली तो फिर उसने प्रण लिया और कहा मैं अपने पति को पुनः जीवित करूंगी। तो दोस्तों उसने एक साल अपने मृत पति के शरीर के साथ गुजार दिया और उसके शरीर में जो भी हरी घास लग रही थी वह उसको इकट्ठा करती गई, और आने वाले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उसने पुनः व्रत लिया और पूरा विधि विधान से उस व्रत को निभाया, और इसी के चलते लक्ष्मी माता और श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। तो दोस्तों मेरे को इतनी ही जानकारी थी, अगर मेरे से कहीं पे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। और चलिए दोस्तों अब चांद आने वाला है तो आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब चांद आ चुका है और रात के बज चुके हैं 9:30, तो चांद आ गया है। आपको पहले मैं चांद दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे पीछे वहाँ आसमान में देख रहे होंगे आप, चांद आ चुका है और अब व्रत खोल लेते हैं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, फाइनली दोस्तों व्रत पूरा हो चुका है और अब पानी भी पी लिया है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए आ रखे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।